हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा आरआरबी की ग्रुप डी आंसर की के लेके रिजल्ट के लेके। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रिसेंटली जो आंसर की के डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ था उसका यहाँ पे फिर से कुछ अपडेट आई है आज की डेट में 13 जनवरी 2019। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या अपडेट दिया हुआ है उसको भी मैं यहाँ पे डिटेल्स में आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पे बहुत सारे अपडेट जो कि आया है जिसको आप लोगों को यहाँ पे देखना जरूरी है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली 13 जनवरी 2019 9:40 AM में यहाँ पे निकला हुआ है ये अपडेट। तो दोस्तों, क्या अपडेट दिया हुआ है इसको भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या जो अपडेट दिया हुआ है उसको क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी आंसर की रिजल्ट 2018-2019 अपडेट। रेलवे ग्रुप रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी हैज़ इशूड रिप्लाई कीज फॉर द ग्रुप डी रिक्रूटमेंट एग्जाम। कैंडिडेट प्रेजेंट एट द एग्जामिनेशन कैन आंसर द की थ्रू द देयर ऑफिशियल वेबसाइट ऑन द फील्ड। आरआरबी हैज सेट अप अ पैनल व्हिच एग्जामिनेशन ऑल द क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्शन। तो दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि आंसर की के मिलने के बाद जो लोग क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे उन लोगों के लिए एक अलग से एक पैनल या एग्जामिनेशन के पैनल जो कि यहाँ पे तैयार कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोग आपका जो आंसर क्वेश्चन या ऑब्जेक्शन है आप लोग कर पाएंगे। तो उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, उसके बाद लिखा है इफ़ एन ऑब्जेक्शन इज फाउंड करेक्ट देन द फाइनल आंसर की विल बी इशूड। तो दोस्तों, अगर आपका ऑब्जेक्शन करेक्ट होता है तो उसके बाद ही आपका जो आंसर की है वो इशू होगा। तो दोस्तों, उसके बाद लिखा हुआ है कि अर्लियर इन द रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप सी हैड टू इशूड रिवाइज रिजल्ट एज द कैंडिडेट हैज़ रेस्ट द ऑब्जेक्शन एंड द बोर्ड फाउंड इट राइट। तो दोस्तों, अगर आपका ऑब्जेक्शन सही होता है तो उसके बाद ही आपका जो आंसर की है वो लोग देख के उसको करेक्ट करेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट कैन रजिस्टर ऑब्जेक्शन टू द रिप्लाई की फ्रॉम January 14। तो दोस्तों, यहाँ पे 14 जनवरी मतलब कल से आपका जो ऑब्जेक्शन है या आपका जो आंसर की के लिखे और लेके जो ऑब्जेक्शन है आप लोग कल से वो ऑब्जेक्शन कर पाएंगे 14 जनवरी 2019। तो जो लोग आपका ऑब्जेक्शन है आपका आंसर की के लेके आप लोग कल से आपका जो ऑब्जेक्शन है आप कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बोला गया कि यू हैव टू पे टू काउंटर फीस 50 पर क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो ऑब्जेक्शन है आप कर पाएंगे, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यू कैन रजिस्टर ऑब्जेक्शन ओनली टिल January 19, 2019। तो दोस्तों, यहाँ पे 2019 के 19 जनवरी तक आपका जो रजिस्टर है ऑब्जेक्शन आपका जो ऑब्जेक्शन है आप रजिस्टर कर पाएंगे, उसके बाद अगर करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि द रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड टू कम इन फेब्रुअरी। तो दोस्तों, आपके लिए भी बहुत एक बढ़िया न्यूज़ जो कि यहाँ पे आया है आंसर की आप लोगों को सभी को मिल गया है। इसके साथ साथ जो लोग अभी भी आंसर की नहीं डाउनलोड कर किया है, आप लोग मेरा जो और भी वीडियोस में बना चुका हूँ कि आंसर की के लिखे, आप लोग वहाँ पे जाके उसका जो डिस्क्रिप्शन में है आप लोग वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे और भी एक बढ़िया न्यूज़ जो कि चला आया कि जिसमें बोला गया कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका फेब्रुअरी में ही आपको मिल जाएगा। दोस्तों, फेब्रुअरी में आपका जो रिजल्ट है आप लोग मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसा अपडेट दिया हुआ है कि जिसको मैं 1 by 1 आप लोगों के साथ क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा अगर ये जो अपडेट है आप लोग जान पाएंगे उसके बाद आप लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, पहला जो यहाँ पे अपडेट दिया हुआ है कि ऑब्जेक्शन कैन बी फिल्ड फ्रॉम January 14, 2019। तो दोस्तों, ऑब्जेक्शन जो है आपका 14 जनवरी 2019 से शुरू होने वाला है, आप लोग उस डेट से यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि द आंसर टू ग्रुप डी एग्जाम वाज इशूड ऑन January 11, 2019 एट 9 AM। कैंडिडेट हु हैव टू टेक ऑब्जेक्शन विल बी अवेलेबल टू फाइल ऑनलाइन ऑब्जेक्शन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट फ्रॉम January 14, 2019। तो दोस्तों, अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो आप लोगों को 14 जनवरी 2019 में आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोग वहां पे जाके आपका जो ऑब्जेक्शन है वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्टर करने के लिए मैं फिर से आप लोगों को बता देते हैं 50 रुपीज़ आपको पार क्वेश्चन के लिए लगेगा, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि नो व्हाट विल बी हैपन इन पीईटी। तो दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि फिजिकल
टेस्ट के लिए क्या होने वाला है उसके लिए भी यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया गया है। आप लोग एक बार मैं पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे बोला गया है। इन ऑर्डर टू पास अ फिजिकल टेस्ट मेल कैंडिडेट विल बी हैव टू कम्प्लीट 35 केजी वेट एंड कम्प्लीट 100 मीटर्स इन 20 मिनट। जो मेल कैंडिडेट उन लोगों के लिए 35 केजी वेट आपको लेना होगा, उसके बाद आपको 100 मीटर जाना होगा 2 मिनट के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला गया एडिशनली 1000 मीटर रेस मस्ट बी कम्प्लीटेड इन 4 मिनट एंड 15 सेकेंड। इसके साथ साथ 1000 मिनट आपको कम्प्लीट करना होगा 4 मिनट एंड 15 सेकेंड में, उसके बाद आप यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 20 केजी 100 मीटर 2 मिनट एंड 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट आफ्टर द फिजिकल टेस्ट विल बी डन आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सॉरी फ्रेंड, तो इसके लिए फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका फिजिकल टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद दोस्तों जो लोग आपका आपका जो ओरिजिनल वेबसाइट है आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, उसका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका कौन कौन ओरिजिनल वेबसाइट है आरआरबी के, जिसमें जाके आपका जो ऑब्जेक्शन आप कर पाएंगे, इसके साथ साथ आपका जो आंसर की है रिजल्ट है जो भी आप देखना चाहते हैं यहाँ पे जाके देख सकते। जैसे कि यहाँ पे आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी अंजीर, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी बेंगलुरु, आरआरबी भोपाल, आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी बिलासपुर, आरआरबी चंडीगढ़, इस तरह से ऑल ओवर वेस्ट ऑल ओवर इंडिया में जो जो आरआरबी के रीजनल है उसमें उसका वेबसाइट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोला गया है दिस इज़ द कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ऑब्जेक्शन के लिए यहाँ पे कि बोला गया है कि आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा इन ऑर्डर द रेज ऑब्जेक्शन टू द आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन विद द यूज़र आईडी एंड दे हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर केयरफुली। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपका ऑब्जेक्शन करने के लिए आपका यूज़र आईडी एंड आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपको वो देके लॉगिन करके उसके बाद ही आप जो ऑब्जेक्शन है आप लोग कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि आफ्टर डाउनलोडिंग द ऑर्डर ऑफ ग्रुप डी एग्जाम्पशन डू दिस वर्क इफ़ यू हैव डाउनलोड द आंसर नाउ इट्स टाइम टू एड योर आंसर वंस योर आंसर मैच द आंसर की इफ यू बिलीव दैट योर आंसर इज करेक्ट एंड देयर इज मिस्टेक इन इंश्योरेंस द बोर्ड देन यू कैन फाइल ऑब्जेक्शन अनटिल द जनवरी 19। तो यहाँ पे भी सेम बोला गया है कि अगर आपका आंसर करेक्ट होता है या उसके बाद ही आरआरबी के तरफ से आपका क्वेश्चन जो है गलत कर दिया गया है, आप सही आंसर दिया है फिर भी आपका मिस्टेक वाइज हो गया है, उसके बाद आप ऑब्जेक्शन कर पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे और बोला गया है कि दिस कैंडिडेट विल नॉट बी चार्ज फी रिफंड। तो इफ द ऑब्जेक्शन फील्ड बाय द कैंडिडेट इज करेक्ट देन दिस फीस विल बी रिफंड। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बढ़िया एक और भी खबर आ गया है कि जो लोग करेक्ट आंसर दिया है फिर भी आरआरबी की तरफ से वो गलत आया है, उसके बाद ही आपका जो 50 रुपीज़ है आप रिफंड पाएंगे, उसके बाद ही नहीं पाएंगे। अगर आपका आंसर गलत है या फिर से आप ऑब्जेक्शन किया है तो उसके बाद आपका जो 50 रुपीज़ है आप नहीं पाएंगे। तो इस तरह से और भी कुछ यहाँ पर अपडेट दिया गया, जैसे कि द रीजनल वेबसाइट वी ऑल्सो रिलीज सून टू आंसर ग्रुप डी एग्जाम। एंड इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ है जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और कोई भी ऑब्जेक्शन होता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूंगा। तो ये था बहुत बढ़िया एक अपडेट जो कि आरआरबी की तरफ से आया है। अगर आप लोगों को पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड।